प्रोटेस्ट होने के बावजूद, लोगों के एहतजाज करने के बावजूद, और सिर्फ इतना ही नहीं, सुंदरबनी में पंचों और सरपंचों ने जो ज़बरदस्त हंगामा किया, उस हंगामे के बावजूद जम्मू कश्मीर सरकार ने तमाम जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को ये कहा है कि रोशनी की ज़मीन हो या काचराई ज़मीन हो, दोनों ज़मीनों के ऊपर से 100% अवैध कब्जे 31 जनवरी 2023 से पहले पहले हटाए जाने चाहिए। ये सख्त आदेश जो हैं आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी विजय कुमार बिदुरी द्वारा साइन किए गए एक सर्कुलर के जरिए तमाम डिप्टी कमिश्नरों को दे दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि डिपार्टमेंट ने वक्तन फवक्तन इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और उसके बाद 15 दिसंबर 2022 को एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के बाद एक खबर भी आई थी जिसमें यह कहा गया था कि 3 महीने के अंदर अंदर तमाम एनक्रोचमेंट्स को हटाया जाए। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो कमिश्नर सेक्रेटरी गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वर्चुअल मोड में 15 दिसंबर 2022 को ये मीटिंग ली। इस मीटिंग में तमाम डिप्टी कमिश्नरों को ये आदेश दे दिए गए कि फौरन आपने तमाम जितनी भी एनक्रोचमेंटें हैं, तमाम जितनी भी अवैध कब्जे रोशनी की ज़मीन के ऊपर, काचराई की ज़मीन के ऊपर हैं, इन्हें 100% आपने 31 जनवरी 2023 से पहले पहले हटाना है। और ये भी कहा गया है कि ये जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव होगी, इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में 100% कब्जे हटाए जाएं, इसको इंश्योर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर रोज एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव प्लान, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का जो उसका प्लान होगा उसे ड्रॉ करेगा, और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर बनाकर कोऑर्डिनेट करेगा और इफेक्टिवली इस ड्राइव को इंप्लीमेंट करेगा। डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के अफसरों की टीमें तैयार करेगा एनक्रोचमेंट्स रिमूव करने के लिए, और उस ड्राइव को पर्सनली मॉनिटर करेगा। डिविजनल कमिश्नर को भी कहा गया है कि आप भी इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को मॉनिटर करेंगे। उसके बाद एक और आदेश दिया गया है कि डेली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो डिविजनल कमिश्नरों के जरिए, जो डिविजनल कमिश्नरों के जरिए जिसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल जो है उसको नोडल ऑफिसर बनाया गया है, डीसी, तमाम डिप्टी कमिश्नर हर रोज 4 बजे ये रिपोर्ट दिया करेंगे कि उन्होंने आज पूरे दिन में कितनी एनक्रोचमेंट हटाई। और डिविजनल कमिश्नरों को कहा गया है कि जो रिपोर्ट्स कंपाइल होती हैं फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के द्वारा, उन्हें 5 बजे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजना है। यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कमर कस ली है कि रोशनी की जमीन हो, काचराई की जमीन हो, इन दोनों जमीनों के ऊपर से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, और ये 31 जनवरी 2023 से पहले पहले 100% यानी किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा इस ऑर्डर के जरिए मालूम पड़ता है। यानी अवैध कब्जे का मतलब ये कि अगर रोशनी के कानून के तहत जिन जमीनों को लेकर कहा गया है कि ये अवैध कब्जे हैं, आपको याद होगा हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें जिन कब्जों को अवैध बताया गया, उन तमाम कब्जों को लेकर अब जम्मू कश्मीर की सरकार ने सख्ती के साथ डिप्टी कमिश्नरों को और डिविजनल कमिश्नरों को ये हिदायत दी है कि 31 जनवरी 2023 से पहले पहले आपने ये तमाम अवैध कब्जे हटाने हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये तक कर दिया कि डिप्टी कमिश्नरों को रोज एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का प्लान बनाना है, और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर बनेगा, वो कोऑर्डिनेट करेगा, इफेक्टिवली जो है इस ड्राइव को इंप्लीमेंट करेगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो रेवेन्यू ऑफिसरों की टीमें कॉन्स्टिट्यूट करेगा ताकि इन एनक्रोचमेंट्स को हटाया जा सके, और उसके बाद जो है डिप्टी कमिश्नर पर्सनली इस ड्राइव को मॉनिटर करेंगे। डिविजनल कमिश्नरों को भी कहा गया है कि आप भी इसको मॉनिटर करेंगे। फिर कहा गया है कि डेली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो डिविजनल कमिश्नर के जरिए वो रिपोर्ट जो है 4 बजे के करीब करीब डीसी वो रिपोर्ट सबमिट करेगा डिवकॉम के पास, और डिवकॉम वो रिपोर्ट आगे एफसी रेवेन्यू को शाम को 5 बजे रोज भेजा करेगा। यानी साफ तौर पर ये, अब इसमें आपको याद होगा कि हमारी बात एडवोकेट शेख शकील से हुई थी, उसके अलावा अन्य भी और बहुत सारे वकील हैं, एडवोकेट जुल्कर नैन चौधरी ने भी अलग अलग वेब पोर्टलों से बात की थी, और उन्होंने ये कहा था कि जिसके पास भी रोशनी के तहत जमीन है, स्टेट लैंड है, अगर उसका मामला कोर्ट में है तो आप उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। रोशनी के मामले में शेख शकील ने, एडवोकेट शेख शकील ने यह कहा था कि सरकार ऑन ओथ है सुप्रीम कोर्ट के सामने
कि जब तक इस रोशनी के मामले का निपटारा नहीं हो, ऑन ऑथ है कि हम जबरन किसी को हटाएंगे नहीं, उसके बाद ये मामला इस वक्त विचाराधीन है हाईकोर्ट के सामने। लेकिन जब आप रेवेन्यू के अधिकारियों से पूछते हैं तो रेवेन्यू के अधिकारी कहते हैं कि ये जो मामला है वो मामला केवल उन लीज होल्डर्स को लेकर है जिनके पास लीज थी और लीज एक्सटेंड नहीं हुई, लीज खत्म हो गई, उसके बाद वो परेशानी का शिकार हो गए, वो मामला कोर्ट में, बाकी कोई मामला कोर्ट में नहीं है। रोशनी में जिनके भी अवैध कब्जे होंगे वो कब्जे हटाए जाएंगे। लेकिन जब आप कानून के जानकारों से पूछते हैं तो कानून के जानकार आपको ये बताते हैं कि रोशनी के मामले की जमीन हो या काचराई जमीन हो, किसी भी तरह की जमीन हो, हर जमीन के मामले में उनका ये कहना है कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिस मामले का संज्ञान कोर्ट ने लिया हुआ है या जिस मामले में कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उस मामले में सरकार जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार ने दूसरी तरफ आज एक ऑर्डर निकाल कर ये साफ कर दिया है कि रोशनी की जमीन हो, काचराई की जमीन हो, 100% स्टेट लैंड के ऊपर से तमाम तरह के कब्जे 31 जनवरी 2023 से पहले पहले डिप्टी कमिश्नरों को और डिव कॉमों को हटाने के सख्त आदेश दे दिए हैं। अब देखना है जब ग्राउंड पर इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी तो नतीजा क्या निकलता है। जब रोशनी के मामले में हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी तो उस हाईकोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में जो रिव्यू पिटिशन लेकर गया वो कोई प्राइवेट आदमी नहीं था, बल्कि सरकार खुद रिव्यू पिटिशन लेकर जो है कोर्ट में चली गई थी। तो एक तरफ तो जहां वो रोशनी को लेकर रिव्यू पिटिशन लेकर जो है सरकार कोर्ट के सामने खड़ी है, दूसरी तरफ यही सरकार ऑर्डर दे रही है कि रोशनी और काचराई की जमीनों को मिलाकर जितनी भी स्टेट लैंड के ऊपर अवैध कब्जे हैं उनको फौरन हटाया जाए। आम आदमी परेशान है इसको लेकर, रजौरी, पुंछ, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, लगभग हर इलाके में हंगामा है। लोग ये कह रहे हैं कि हमें लगा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिला है, लेकिन अब यह पता चल रहा है कि वो रिलीफ हमारे लिए रिलीफ नहीं था, सरकार ने शायद कोई रास्ता निकाल लिया है जिस रास्ते के जरिए सरकार अब जेसीबी और बिल्डोजर लेकर आएगी और तमाम जितने भी ये रोशनी की जमीन के ऊपर प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं या प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं, कमर्शियल हैं, प्राइवेट हैं, उन तमाम को गिराने का काम शुरू करेगी। अब देखना यह होगा कि डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जब अलग अलग जिला स्तर पर पूरे जम्मू कश्मीर में इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो नतीजे क्या निकलते हैं।